तो गाइस आज है मेरे साथ मैक्सटर, उनका एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, तो ज्यादा मतलब छोटा सा ही इंटरव्यू लूंगा। तो भाई क्या हुआ था एक्चुअल में मैटर ना, जो एक्चुअली क्या हुआ था थोड़ा सा भाई एक्सप्लेन कर तुम तो दो। बिग बॉस के टाइम से देख ही रहे हो क्या हुआ था कि जब फैंस की तरफ से गालियां आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा गालियां आने के बाद फिर मैंने एल्विस को लिख दिया कि इनका बारे को फॉलो कर रखा है। वो भी उस बंदे के लिए लिखा था जो जिसको एल्विस फॉलो करता था। वहाँ से फिर एल्विस ने लिखा तुम्हें हाँ अनफॉलो कर देख, दूँ। फिर उसके बाद जैसे एल्विस ने ये ट्वीट किया, उसके बाद कम से कम 20 से 30 हज़ार ट्वीट मेरे को गालियों के आए, और उसमें से कुछ बंदे वो भी थे एल्विस वाले बंदे ही थे हाँ जो मतलब ये ट्रेंड चला रहे थे मेरी गालियों के साथ। तो उसके बाद फिर मुनावर वाला बिग बॉस आया और फिर मैंने बोला मुनावर नहीं मैंने को। देखा, नहीं मैंने हाँ देखा था, तुम उस टाइम पे फुकरा इंसान को सपोर्ट, तुम उस टाइम पे फुकरा इंसान को सपोर्ट करते थे, एंड उस टाइम पे एल्विस भाई के फैंस आके गाली देते थे कुछ फैंस, मैंने भी देखा है, वो तो है। तो फिर इसके बाद ये क्या हुआ, मतलब कैसे जाना हुआ वहां अरे पे, मेरे को जो ये भी था इंसिडेंट हुआ। कि मैं तो देखो मिलने गया था, मैं तो लड़ाई झगड़े वाला बंदा हूँ नहीं, ना मैं किसी को गाली देता हाँ ना मैं किसी को धमकी देता, मेरे को पसंद ही नहीं है धमकी उमकी देना किसी को भी। ये हो सकता है कि कोई 1,000 हेटर होगा तो उसमें से किसी एक हेटर को गाली वाला रिप्लाई चला जाए, वो भी मैं उसी को रिप्लाई करता हूँ जो गाली वाला रिप्लाई मेरे को करता है। उसके अलावा तो मैं हाँ जनरली गाली देता नहीं हूँ, 1,000 बार कोई गाली देगा उसको एक बार गाली दे दिया हूँ मैं बस। लेकिन जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ और जिससे मैं मिल रखा हूँ उसको तो मैं ज़िंदगी में कभी गाली नहीं देता, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, मेरे को पसंद ही नहीं है गाली देना। तो वही है, तो अब जो हो गया हो गया। क्या 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 नंबर वगैरह, कैसा क्या क्या सीन अरे था, एलवी कैसे जाने मिला मैसेज एलविस, गए किया, क्या? अरे एलवी जाने मैसेज किया नंबर भेज, तो मैं मेरे को ये था कि कहीं एलवी जाए घर अच्छा पे जब, आके। अच्छा ट्वीट के बाद वो हुआ ना, जो हाँ ट्वीट मैं, करने के बाद हाँ शायद वो जो चला। ट्वीट था एक एलविश आर्मी फैन पेज जो था वो मेरे को बार बार मॉक करता था, तो इस बार मॉक किया तो मैंने लिख दिया गवार, उसका नाम था एलविश आर्मी, मैंने लिख दिया उसको गवार आर्मी स्टिल एक्टिव, तो उस पर एलविश भाई लिखते हैं यू स्टिल एक्टिव मतलब मेरे को। उसके बाद फिर वो मुनावर के साथ जो फोटो आई थी तो मैंने वही क्रिटिसाइज किया, जब मैंने मुनावर का नाम लिया तो मेरे को एलविश फैंस की तरफ से गालियाँ पड़ी। तो जब एलविश भाई ने ये फोटो डाली तो यहाँ पे पॉजिटिव रहो मतलब चैरिटी मैच है, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि गलत है, तो मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया और मीम शेयर कर दिया। तो उस पर शायद मुझे लगता है एलविश भाई फिर बोलते हैं दिल्ली दिल्ली में रहता तू याद दिला दूँ, तो मैंने उसको सरकास्टिक रिप्लाई दिया थैंक्स भाई। उसके बाद वो मैसेज होता है इंस्टा हाँ पे नंबर बेस, तो मेरे को लगता है कि कहीं एलविश भाई घर पे आके वीडियो वीडियो ना बनाए, मतलब काइंड ऑफ है तो क्रिएटर ही, तो मैं सोचता हूँ प्राइवेसी ना हाँ जाए, इससे अच्छा मैं मिल के बातें शॉर्ट करता हूँ। तो मैंने निकल गया, मैं मतलब पहले एड्रेस में आया मेरे उस पर, तो कौन मैंने पहले बोला कि मिलने के लिए तुमने, या हाँ फिर तुमने मतलब ही बोला था कि ये देखो बता हुआ रहा क्या था, एलवी जाने नंबर मांगा तो मेरे को यही डर था कहीं वो घर पे था? ना आ हाँ जाए, तो मैं उनसे कहता भाई बात करके शॉर्ट करते हैं। तो फिर एड्रेस आया उनका अच्छा गुरुग्राम का सेक्टर, मेरे को याद नहीं पर गुरुग्राम का ही था, तो वो एड्रेस पे मेरे को मैं रेडी हो गया जाने के लिए। फिर मैं सन्नी से पूछता हूँ मेरे को जाना चाहिए, तो सन्नी बोलता है नहीं नहीं घर पे तो किसी के मत जा, उसने ट्विटर पर धमकी उमकी दी है। मैंने कहा नहीं वो मारेगा वारेगा थोड़ी, इतना वो थोड़ी है। तो फिर सनी कहता है अगर जाना ही है तो पब्लिक प्लेस में जा। फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, बोलता हूँ भाई कि ये क्या बोलते हैं मैं सुबह आ जाऊंगा मिलने, कोई दिक्कत नहीं आप एड्रेस भेज दो सुबह के लिए। तो कहता है नहीं नहीं आ जा डर रहा है ये वो। मैं कहता चलो ठीक है, तो मैं गुड़गांव के लिए निकलता हूँ, सब कुछ अपडेट देता हूँ कब कहाँ किसने पहुँचा। किसने बोला डर, किसने बोला डर रहा है करके? वही एलवी जॉय ने बोला। उसके बाद मैं गुड़गांव के लिए अच्छा जब अच्छा निकलता हूँ तो मैं अप टू डेट देख रखता हूँ ऑडियंस को कि मैं निकल चुका हूँ ठीक है, और तीन तीन अपडेट के बाद मैं जब गुड़गांव पहुँच जाता हूँ तो मैं लाइव जाता हूँ एलवी भाई को नया एड्रेस देता हूँ, मतलब अपने पब्लिक प्लेस पर बुलाने के लिए। तो एलविश भाई वहाँ अच्छा इंस्टाग्राम तुम पे एड्रेस देते हो ना? वहाँ अच्छा पे ओके वो ओके हाँ एग्री कर देते हैं। फिर जब लाइव ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे कॉल आता है वापस से, कह रहा भाई देख जहाँ मैंने बुलाया था वो मेरा घर था, यहाँ तो मैं तेरे को मारता नहीं लेकिन ये क्या बोलते हैं जहाँ तू बुला रहा है ना वहाँ मैं तेरे को मारूंगा। मेरे दोस्त पूछते हैं सच में लड़ाई करेगा क्या, मैंने कहा नहीं नहीं वो क्यों लड़ेगा पब्लिक प्लेस पर कोई थोड़ी लड़ता है, वो आके बस डिबेट करेगा और कोशिश करेगा मेरे को अपने शब्दों से ही हरा दे। मैंने कहा डिबेट ही होगी बातचीत ही करेंगे, तो मैंने सूफा वूफा सब लगा रखा था, और जिस कैमरे की बात कर रहे कि मैंने वहाँ पे कैमरा सेट किया था वो कैमरा था ही नहीं, हाँ वो यस यस सी मैं वो वही सीसी पूछने वाला एक्चुअली था वो अभी। सीसीटीवी फुटेज है, अगर वो सीसीटीवी फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज है और साफ साफ दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज है, दो सीसीटीवी फुटेज थे उस दुकान के अंदर और दोनों स्टाइलिश सीसीटीवी थे, मतलब वो कैमरे की तरह लगते ही नहीं थे, वो ऊपर नहीं टंगे होते थे, वो टेबल पे एज अ शोपीस रखा होता है वो सीसीटीवी, वो वाले सीसीटीवी थे। तो वो सीसीटीवी कैमरे अच्छा वो में पहले सेटअप नहीं किया था वो? नहीं, वो पहले से ही अगर उस पर 20 दिन पहले की भी क्लिप निकालोगे तो वही एंगल मिलेगा,
आगे की भी निकालोगे तो वही एंगल मिलेगा, वो उसी एंगल पे वो कैमरा सेट है, क्योंकि वो कपड़े उसी एंगल पे सारे दिख रहे हैं, उस कैमरे में सारे कपड़े कैप्चर हो रहे हैं सीसीटीवी में। अच्छा उसके बाद लड़ाई लेकिन थी। लेकिन आज 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 एलविस भाई ने एक वीडियो अपलोड किया है, शायद पता होगा, रिप्लाई तो वहां पे वो बोल रहे थे कि माइक लगा हुआ था कुछ ऐसा कुछ। हैं हाँ हाँ यहाँ पे कुछ माइक लगा हुआ था तुम्हारा, ऐसा मेरे कुछ बोल रहे थे। हाँ भाई, मैं तो यार मेरे शर्ट ऊपर ऊपर हो गई थी, माइक कुर्ता तो गिर जाता जहाँ तक मुझे लगता है। और रही बात वीडियो अच्छा बनाने की, एग्री, हमारे बंदे भी वीडियो बना रहे थे और मेरा यही एक्सपेक्टेशन था वो आएगा तो वही वीडियो बनाएगा। तो वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि अगर कुछ बात होती है तो दोनों तरफ से ऐसा ना जाए कट कुट के बांट जाए, हमारे पास भी पूरी बात रिकॉर्ड हो, उसके पास भी पूरी बात रिकॉर्ड हो। तो जो वीडियो लीक हुई है वो तो सीसीटीवी वाली है, और जो वीडियो हम बना रहे थे वो तो 3 मिनट से ऊपर हुई नहीं, क्योंकि 3 मिनट के बाद ही एलवी जॉय के हाथ में फ़ोन आ गया था, मतलब वो उसके बगल में था बंदा जिसके हाथ में वो फ़ोन था। और उसके बाद क्या हुआ, मारने मारने की धमकी दी, फिर मेरे को सॉरी बोलने बोला। मैंने पूछा क्यों, मतलब मैंने रीज़न पूछा, सॉरी क्यों बुलवा रहे हो, तो रीज़न दिया नहीं, फिर मारा, फिर सॉरी बोलने के लिए बोला, और बोला कटारिया को रिकॉर्ड करने के लिए सॉरी बोलेगा ये, तो फिर मैं सॉरी बोला नहीं। उसके बाद वो चले गए, मतलब मामला शॉर्ट करवाया दोनों तरफ के पार्टियों ने, जो बंदे आए हुए थे एक्स्ट्रा बंदे, धीरज भाई भी थे वहाँ पे मैनेजर, तो उन सब ने मामला शॉर्ट कराया, वो थोड़े लेट आए तो मामला शॉर्ट कराया। उसके बाद ये चले गया एलविश, और उसके साथ जो बंदे थे दो, वो मेरे को प्यार से धमका रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं वो सुलह कर ले, मतलब थोड़ा सा होता है ना प्यार से धमकाने वाला टून में, क्या एटीट्यूड दिखा रहा है ये वो। मैंने कहा देखो मैं एटीट्यूड दिखाता नहीं, मेरे को आपको देख के लगता है मेरे अंदर एटीट्यूड होगा, मैं किसी को धमकी दूंगा, मैं किसी को ये क्या बोलते हैं पोक करूंगा पहले, तो वही था। नहीं, एक और एलिगेशन बहुत बड़ा आज एलविश भाई ने लगाया है, क्योंकि कुछ माँ बहन के बारे में कुछ नहीं बोले थे, यार शायद देखो, बोल रहे पहली बात तो मैं जिसको जानता हूँ उसको गाली देता नहीं, और जो बंदा इतना फेमस है उसको तो मैं माँ बहन की गाली दूंगा भी नहीं। बिग बॉस के टाइम पे मैं जो था उन बंदों में था, जब एलवी ये बिग बॉस वालों ने गिरी भी हरकत की थी कि मम्मी को बुला के उसका पहले पूरा उसको दिखाया उसकी गलती, फिर एकदम से मम्मी को उसके सामने रख दिया, फिर वो एलविश वहाँ पे इमोशनल हो गया, तो वो चीज़ इमोशनल अटैक जो किया था बिग बॉस में, मैं उस चीज़ को बहुत वो कर रहा था, क्या बोलते हैं कितनी गिरी भी हरकत की है बिग बॉस ने। और रही बात है आंटी जी, वो बहुत स्वीट है, उनके लिए तो मैं भाई देखो कोई मेरे को टॉर्चर भी करेगा उनको मैं ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दूंगा, क्योंकि एक होता है माँ माँ होती है, किसी की माँ को आसानी से गाली नहीं देते। हो सकता है मैं किसी हिटर को गाली रिप्लाई कर दूं जिसको मैं जानता ना हूँ, वो भी तब जब बहुत सारे हिटर मिलकर गाली देते हैं, तो उनमें से किसी एक हिटर को मैं रिप्लाई कर दूं क्योंकि मैं उसको जानता नहीं पर्सनली, ना मुझे उसका चेहरा पता है। लेकिन अगर मैं किसी बंदे को जानता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ना मैं उसके माँ पे जाऊँ ना उसके बहन पे जाऊँ, चाहे वो मेरे को कितनी भी गाली दे दे, कुछ मैं तो उसे जलाने, नहीं नहीं जलाने वाली कुछ बात, क्या बात है यार, नहीं उसको यार जलाना होगा देखो टाइम। मैं इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी को जलाने वलाने की धमकी दूंगा, मैं कहीं का डॉन तो हूं नहीं, और मेरे अंदर इतना गुदा भी नहीं है कि मैं किसी को जलाने की धमकी दूं। जलाना छोड़ो, मैं किसी को चाटा मारने की भी धमकी नहीं दूंगा, तो जलाने वाली धमकी थोड़ी ओवर लगी मेरे को, बाकी तो कोई इशू है नहीं। बाकी ये मैटर भी पुलिस पुलिस का क्या मैटर है, अरे क्या पुलिस का कहाँ तो तक क्या। देखो ये है कि पुलिस तो एक चीज़ तो है कि पुलिस थोड़ा सा मतलब वो रहती है, क्या बोलते हैं ढीली है इसमें। एचएसओ सर का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा वैसा था कि मैं से पहले बोल रहे हैं तुम्हारे एफआईआर दो हैंडराइटिंग, पहले मैंने उनसे बोला कि मेरी एफआईआर चेंज क्यों की आपने, ठीक है। अच्छा, जो जो एसएचओ जो थे उनको जानते थे एलविश यादव को, मतलब, नहीं या फिर नहीं नहीं जानते थे वो तो पता। जो एसएचओ तो नहीं जानते थे, लेकिन उसके बगल बगल के सारे पुलिस वाले जानते थे। एसएचओ सर थोड़े अच्छा चौके, मतलब उनका जो रिएक्शन था जब वो मैंने एविडेंस दिया ट्वीट्स का कि क्या क्या ट्वीट अभी रिसेंटली हुआ है, तो वो चौके, 23 लाख व्यूज किसी पे, 12 लाख व्यूज, वो चौके क्या चल रहा है। और जितने की पुलिस वाले थे वो जानते थे, वो पूछ रहे थे ये वही वाला एलविश है जो बिग बॉस में है, तो मैंने बोला हाँ वही वाला है। तो बाकी पुलिस वाले जानते थे, जो मेन एसएचओ है वो एलविश को मतलब तब तक तो नहीं जानते थे जब तक मैं मिला था उनसे। तो अच्छा, तो ये नहीं, तो पुलिस का भी अपडेट नहीं है, क्या चल रहा है वो एफआईआर का, नहीं, या पुलिस फिर का अपडेट नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन रही चल बात रहा है तब एफआईआर तक। के लिए, अभी मेरा अभी मेंटल पेस वैसा मैंने है ही नहीं कि मैं कुछ सोचूं कुछ आगे डिसीजन लूं। ऊपर से एक तो मीडिया नहीं, हाउसेस को मैंने कहाँ वीडियो से एड्रेस मिल गया मेरा, पूरा मीडिया मीडिया आ जा रही है। एक तो क्या हो रहा था कि पूरा वो होता है क्या कंटेंट जब जमा हो जाता है ना बहुत सारे, तो खुद को बुरा लगता है कि यार ज़्यादा मीडिया आ गई है, फिर एक एक करके हमें बुलाया। मीडिया आ रहे हैं और मैं भी आ गया। तुम तो असली मीडिया हो बाकी भाई बहुत असली। अच्छा, बाकी काफी सारे लोग सपोर्ट किए, क्या मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सपोर्ट किए, भाई देखो मैं तो एलविश भाई के कैसा। साथ, देखो एलविश भाई को मैं देखो मैं अभी की बात नहीं कर रहा, जो मैं पुराने एलविश जो है उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, हाँ वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट बंदा था पुराना, और उसके मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। और
अगर तुम मेरी फर्स्ट मीटिंग देखोगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मैं उस बंदे से मतलब बहुत इंस्पायर्ड था कि बंदा अच्छा है भाई। तो काइंड ऑफ वो मेरा फेवरेट बंदा था, क्योंकि वो गिने चुने बंदों में से था जो बड़े यूट्यूबर में पबजी खेलता था मेरे साथ। तो हमारी अच्छी बातचीत थी, हम दुबई में भी मिले, वहाँ भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो बंदा हाँ अच्छा है नो डाउट, पहले अच्छा था, लेकिन अभी का क्या सीन है मुझे नहीं पता। हो सकता है उसके ऊपर जो इतना अलग अलग सीन हो रहा हो उसके चक्कर में वो अलग तरीके से सोच रहा हो, लेकिन पोक तो मैंने पहले भी किया। काफी सारे यूट्यूबर्स भी है ना, वो सपोर्ट में आया। अभी मैंने देखा नहीं कौन सपोर्ट अच्छा, में आया कौन नहीं। जो एक और एलिगेशन है कि ये सब आपने फॉलोअर्स के लिए किया, फुल प्री प्लान्ड था ये सब, है ना, नहीं कैमरा भाई, वैमरा देखो सेटअप देखो, पहली करके बात एल्विश कोई ऐरा गैरा वायरल बंदा हो। नहीं, सुनो एल्विश कोई ऐरा गैरा बंदा है नहीं, मैं उसको डिबेट के लिए बुलाऊंगा, और एल्विश का ह्यूमर बहुत अच्छा है। मेरे को ये बाजी उल्टी भी पड़ सकती थी अगर मैं उसको डिबेट के लिए बुला रहा हूँ और गलती से उसका ह्यूमर मेरे पे उल्टा पड़ गया, मेरे पास जवाब नहीं हुआ, मेरा करियर तो वहाँ पे पूरा खत्म था। तो फॉलोअर्स के लिए तो नहीं किया था मैं, बस वहाँ पे जो गलत फहमी थी वो सही करने गया था कि यहाँ पे जो मेरे को गालियाँ पड़ रही है वो गलत पड़ रही है, हम इसको शॉर्ट करते हैं ताकि ये गालियाँ वालियाँ पड़ना, ये मीम्स बनना बंद हो। तो मैं तो डिबेट के लिए गया था, अगर मैं ये फॉलोअर्स के लिए जा रहा होता, पहली बात बेसिकली तो सॉर्ट आउट करने गए थे, बट हाँ बेसिकली हमें, सॉर्ट आउट करने गए थे बट कुछ और हो गया मैटर। हाँ बेसिकली अगर ये चीज़ फॉलोअर्स के लिए करो इतने बड़े बंदे के साथ, तो वो अगर तुम गलत हो साबित हो गए वहाँ पे, तुम्हारा मीम बन जाएगा। और यही चीज़ मैंने एक्सपेक्ट की थी यहाँ पे, अगर हम डिबेट करेंगे तो हो सकता है एलविस की टीम से भी कैमरा ऑन रहे, तो हमने भी अपना कैमरा रखा था कि बातचीत आधी अधूरी नहीं जानी चाहिए, दोनों तरफ की पूरी बातचीत हो ताकि दोनों का डिबेट अच्छा जाए। तो मेनली मेरा था मकसद डिबेट करने का, और कुछ मकसद नहीं था मेरा। बाकी यस यार, एल्विश भाई ने भी सॉरी बोल दिया, बहुत बड़ी बात होती है यार पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके सॉरी बोलना। एंड ये क्या बोलने वाला था मैं, अच्छा उस टाइम पे सॉरी मतलब जब कहाँ बोला लड़ाई था, हुआ कहाँ था पे, व्लॉग में, कि मैंने कि देखा नहीं भाई, मैं सुबह से अगर कहीं भी, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं हूँ कहीं भी, बस थोड़ा बहुत ट्विटर में अभी अभी थोड़ी देर पहले खोला, और हाँ मतलब वही है कि मैं अभी सोशल मीडिया ज़्यादा चला नहीं रहा। अच्छा, वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो लड़ाई के बाद एल्विश भाई ने तुम्हें कॉल किया था, ऐसा उनका एलविश ने कहना है नहीं किया था कि कॉल, एलविश ने नहीं किया था, कटारिया ने अच्छा किया था कि आओ मिलो शॉर्ट आउट करो। मैंने कटारे भाई को बोला देखो भाई मैं तो शॉर्ट आउट करने ही आया था, तो अब हाथ चल गया, तो अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। तो ये था कि कटारिया का फ़ोन आया था, लेकिन वही था कि उस समय मेरा मेंटल पीस नहीं था कि मैं वापस मिलने जाऊँ, क्योंकि एक बार मैं मिलने गया तो उसके बाद मेरा मेंटल पीस जा चुका था, तो मेरा दोबारा मिलने का किसी से मन हुआ ही नहीं। और ऊपर से मेरे को अगले 36 घंटे तक भूख भी नहीं लगी, ना भूख लग रही है ना मेरा खाने का मन कर रहा है, एक अलग ही था, मतलब मेरे को भूख लगी नहीं रही, समझ मैं कुछ भी गया। खा रहा हूँ, यहाँ तक कि जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है वो भी मैं खाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं नहीं खा पा रहा। तो वो बहुत ही, ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा मेरे साथ कि ना मेरे को भूख लग रही है ना मैं कुछ खा पा रहा हूँ। तो वही होगा मेंटल पीस जाने के बाकी कारण हुआ होगा वो। बाकी अभी हेल्थ कैसा, ठीक है? कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगा होगा शायद, देखो या जिस समय फिर लड़ाई हुई थी उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत बड़ी इंजरी हुई है, तो मेरे को एक्सरे कराना अच्छा था, एक्सरे करने से मैक्स हॉस्पिटल ने मना कर दिया। उसके बाद जब FIR कराई तो सरकारी हॉस्पिटल में भी एक्सरे नहीं किया उन्होंने, पता नहीं किस बहाने से बोला कि तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा तभी एक्सरे करेंगे। तो ये अच्छा था, पेन किलर पे मैं अभी टिका हुआ हूँ, तो पेन किलर जितने बार लगता है उतने बार मैं मतलब ठीक रहता है, पेन किलर का असर जाते ही वापस दर्द शुरू हो जाता है। तो ये है कि इतना है कि इंटरनल चोट है, पर वैसी चोट नहीं है कि पूरा ये पीछे का वो टूट जाए, तो लकीली ठीक है, मतलब दर्द हो रहा है पर टूटा नहीं ज़्यादा। ठीक है फिर भाई, थैंक यू टाइम देने के लिए। ओके भाई, ओके क्लियर, ओके मैं भाई, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे भी, क्योंकि आज एल्विश भाई ने रिप्लाई डाला था थोड़ी देर पहले, एंड कुछ मेरे भी दिमाग में चल रहे थे कि क्या मैटर है। बाकी यस, आई होप यार, मतलब ये फ्यूचर में आगे ना बढ़े एंड कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा यार। ठीक है मैक्सटन भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ठीक है भाई, बाकी ठीक है बढ़िया भाई, से रहो यार। ठीक है भाई, ओके चलो भाई, ठीक है, बाय। बाय बाय, टेक केयर।